मैं हूं अनुराग द्विवेदी, आप देख रहे हैं दस्तक भारत टीवी। अभी अभी चंद सेकंड पहले ब्लॉक प्रमुख अध्यक्षी की ब्लॉक वार सूची भाजपा ने घोषित कर दी है। आइए हम आपको विस्तृत जानकारी ब्लॉक वार देते हैं कि कौन पुराना प्रत्याशी भाजपा का कद्दावर रहा है, कौन किसका करीबी रहा है, यहाँ तक भी आपको बताने की मैं कोशिश करता हूँ। जिस जो सूची जारी हुई है, अभी अभी तुरंत जारी हुई है, ये शंकरगिरी प्रदेश मंत्री के तरफ से सूची जारी की गई है और बाकायदा भाजपा कार्यालय पर, प्रयागीपुर स्थित भाजपा कार्यालय पर बाकायदा अनाउंस तक किया गया है। इस सूची में नज़र डाली जाए तो अखंड नगर से अनुसूचित जात पर की सीट पर करिश्मा गौतम को टिकट मिला है। कूड़ेभार से महिला सीट पर श्रीमती रीना सिंह को टिकट दिया गया है। कुड़वार से महिला सीट पर श्रीमती मनफूल सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। करौंदी कला से अनुसूचित जात की सीट पर सर्वेश मिश्रा, युवा भाजपा नेता के करीबी विनोद कुमार गौतम को उम्मीदवार गया है। कादीपुर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख, निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख श्रवण मिश्र के करीबी अनुसूचित जात की सीट पर श्री दिलीप कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। जयसिंहपुर से, जो काफ़ी लोगों के चिंता का विषय बना हुआ था, लोगों में गहमा गहमी थी कि किसको टिकट मिलेगा, ऐसे में जयसिंहपुर से अनारक्षित सीट पर श्री राहुल चंद्रशेखर शुक्ला को उम्मीदवार बनाया गया है। ये चंद्रशेखर शुक्ला के पुत्र राहुल शुक्ला हैं, जो BDC में कांटे की टक्कर में अपनी सीट इन्होंने निकाली थी। इसी के साथ ही दोस्तपुर से पिछड़ा वर्ग की सीट पर श्री सुरेंद्र पाल को उम्मीदवार बनाया गया है। सुरेंद्र पाल के बारे में बता दूं, ये प्रत्येश सिंह बंटी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, इनको भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। धनपतगंज से अनारक्षित सीट पर श्री अमित मिश्र को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। जबकि यहाँ बता दें आपको, ये धनपतगंज सीट ऐसी है जिस जहाँ पर आज़ादी के बाद से भद्र परिवार में सदैव ब्लॉक प्रमुख ही रही है और ब्लॉक प्रमुख ही वहाँ मोनू सिंह स्वयं रहे हैं, उनके पिताजी रहे हैं, उनके बाबा रहे हैं, उनके माताजी रहे हैं। इसके अलावा कोई कार्यकाल बचा है तो इन्हीं के करीबी इस पद पर सुशोभित होते रहे हैं। प्रतापपुर कमैचा से पिछड़ा वर्ग की सीट पर श्रीमती सुषमा देवी जायसवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा बल्दी राय से अनारक्षित सीट पर शिव कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। शिव कुमार सिंह जन सेवक के साथ ही ये स्वयं, इनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष अभी दोबारा नव निर्वाचित हुई हैं, उन उषा सिंह, उनको पहले भी इसके पहले भी वो जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं। इसके अलावा भदैया से पिछड़ा वर्ग की सीट पर राजेंद्र प्रसाद वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। मोदीगढ़पुर से अनारक्षित सीट पर चंद्र प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। ये चंद्र भट्टे वाले के नाम से अच्छी तरह से जाने जाते हैं। यहाँ पर इसके पहले लाखन सिंह की पत्नी निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख थी। इसके अलावा लंबुआ ब्लॉक मुख्यालय से ब्लॉक प्रमुखी की सीट पर अनारक्षित दावेदार श्रीमती उर्मिला सिंह को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। दुबेपुर ब्लॉक से महिला सीट पर श्रीमती सातमा को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुप्रतीक्षित भाजपा जो है अपने प्रत्याशी को यहां उतारना चाहती थी। दो तीन दिनों से लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई थी, ऐसे में ये प्रत्याशी घोषित 12 घंटे पहले भाजपाइयों ने किया है, पार्टी हाईकमान ने किया है। और भी ब्लॉक प्रमुख संबंधी सूचक भारत TV के साथ बने रहिए। धन्यवाद। अनुराग द्विवेदी।